नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनिल रॉयल में। मैं आपका होस्ट है दोस्त फिर से लेकर आया एक बेहतरीन प्रॉपर्टी जो कि रहेगी सेक्टर 115 मोहल्ले के अंदर लांड्रा रोड पे ये प्रॉपर्टी रहेगी। लीला ऑर्चिड के नाम से ये प्रॉपर्टी है, सोसाइटी है दोस्तों। आज जो फ्लैट रहेगा वो रहेगा 3 BHK का। दोस्तों फ्लैट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जो भी 3 BHK का फ्लैट है उसमें हमारा ये लोन रहेगा। आप देख सकते हैं बेहतरीन लोन रहेगा, हर प्रॉपर्टी में रहेगा। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। आइए दिखाते हैं आपको। हमारी जो एंट्री रहेगी, हमारी एंट्री यहाँ से रहेगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आ जाता है, जैसे ही हम फ्लैट में एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही हमारे आ जाता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा डाइनिंग कम लिविंग एरिया वो रहेगा 11.5 बाई 20 का। जी हाँ दोस्तों 11.5 बाई 20 का आप एरिया देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों 7 से 8 सीटर, जी हाँ दोस्तों 7 से 8 सीटर यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद भी, सोफा इंस्टॉल करने के बाद भी आप स्पेस देख सकते हैं। स्पेस इसलिए इतना ज़्यादा रहेगा दोस्तों क्योंकि जो हमारा 3 BHK का फ्लैट है वो रहेगा 170 गज में। जी हाँ दोस्तों यानी कि 170 गज में हमारा ये फ्लैट रहेगा। फ्लैट में क्या क्या खासियत है और बेडरूम हमारे कितने की बाई कितने के हैं, सारे के सारे चीज़ एक्सप्लोर की जाएगी। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग एज-इट-इज रहेगी, बट उसमें कुछ चेंजिंग रहेगी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमारा लगभग हमारा सेमी फर्नीचर है। सेमी फर्नीचर का क्या प्राइस रहेगा वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए। लेकिन जो फॉल सीलिंग है वो आपको एज इट इज नहीं मिलेगी। ये हमारे सैंपल फ्लैट है, आपको बताया जा रहा है कि हाँ ऐसे भी आप चीज़ें करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जितने भी फ्लैट है ये पूरा 3 BHK फ्लैट में तीनों रूम में और हमारे लिविंग कम डाइनिंग एरिया में आपको एसी की फिटिंग मिलेगी प्रॉपर। आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद भी स्पेस अच्छा बचा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ जाता है हमारा, ये देखिए दोस्तों क्या बात है, टफन ग्लास का यहाँ पे अच्छा सा प्रयोग किया गया है। साउंडलेस हमारा ये टफन ग्लास रहेगा। आप देख सकते हैं बालकनी, ये देखिए दोस्तों बालकनी स्पेस बड़ा शानदार है। आप देख सकते हैं बाहर का जो इन्वायरमेंट है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी फ्लैट्स यहाँ पे हमारे बन रहे हैं। ये हमारा सैंपल फ्लैट है। बालकनी में आप खड़े होकर यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अपना सोफ़ा वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप प्रकृति का, नेचर का नज़ारा आप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे किचन को कि किचन में क्या क्या चीज़ें हैं और उसका साइज़ क्या रहेगा, क्या क्या खासियत है आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों यह जाती है हमारी किचन, शानदार किचन बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ बड़े एक अच्छी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों क्या बात है, बड़ी लग्जरियस यहाँ पे आपको किचन मिलेगी कि आप वो देख सकते हैं। चिमनी देख सकते हैं, शानदार चिमनी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, हिंडवेयर की यहाँ पे आपकी चिमनी रहेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कैबिन और कैबिनेट की अगर मैं बात करूँ, शानदार यहाँ पे कैबिनेट बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं ग्लास के साथ, ताकि आपके जो भी सामान है वो पारदर्शी और दिखता रहे। सामान सब कुछ इंस्टॉल हो रहेगा। आप देख सकते हैं पूरी एक अच्छी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे ताकि आपको जो भी क्रॉकरी का सामान है वो सारा आ सके, छोटे से बड़ा बर्तन यहाँ पे आ सके। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों अपने सिंक की, सिंक हमारा रहेगा साउंडलेस, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो फ्लैट है इसके अंदर हमारे रहेगी जैगवार और पैरीवेयर की फिटिंग रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको गीजर की फिटिंग मिलेगी, आपको आरओ की फिटिंग मिलेगी प्रॉपर, और अपनी चिमनी की फिटिंग मिलेगी, चिमनी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों सेमी फर्नीचर में आपको फ्रिज नहीं मिलेगा। आपको सेमी फर्नीचर में क्या मिलेगा दोस्तों, आपकी चिमनी मिलेगी, आरओ मिलेगा, गीजर मिलेगा, प्रॉपर फिटिंग मिलेगी, लाइटिंग प्रॉपर रहेगी दोस्तों, बजाज कंपनी का आपका गीजर रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कि इसी के अगर मैं बैक साइड इधर दिखाऊँ तो सुनील जी आप इधर आइए, दिखाइए हमारे व्यूवर्स को कि हमारी जो किचन है, किचन के अंदर से भी, जी हाँ दोस्तों किचन के अंदर से भी बालकनी का एक अच्छा शानदार स्पेस है जो हमारे थर्ड बेडरूम, जो किड्स बेडरूम भी बोल सकते हैं, उसके साथ ही हमारा ये लगता है। आप देख सकते हैं शानदार व्यू कि चारों तरफ दोस्तों हमारा ये गैलरी रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों हमारे बेडरूम की तरफ, बेडरूम में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ खासियत है। तो आइए दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये आ जाती है हमारी मिनी गैलरी, आ जाती है हमारे 2 बेडरूम में जाने के लिए हमारे रास्ता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये आ जाता है हमारा वॉशरूम जो कि कॉमन रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से भी गेट है और बेडरूम में से भी गेट है। आप देख सकते हैं शानदार तरीके से हमारा जो वॉशरूम है वो बनाया गया है। आप देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों कैबिनेट भी शानदार बनाया गया है, लेकिन वही बात है दोस्तों जो हमारा सेमी फर्नीचर रहेगा, सेमी फर्नीचर में आपको कैबिनेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जैगवार की फिटिंग मिलेगी प्रॉपर। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ हैंगर वाला हमारे यहाँ पे टॉयलेट सीट रहेगी। आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ टाइल्स की, टाइल्स बिल्कुल ऊपर तक, जी हाँ दोस्तों ऊपर तक बनाई गई है। और बिल्कुल इधर की बात करूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके लिए एक बढ़िया तरीके से एक खिड़की यहाँ पे दी गई है। साथ के साथ ऊपर तक यहाँ पे टाइल्स का प्रयोग किया गया है, जैगवार की और पेरीवेयर की यहाँ पे फिटिंग रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों हमारे बेडरूम में। मैंने बताया कि यहाँ पे कॉमन वो रहेगी, एंट्री रहेगी, और अब चलते हैं दोस्तों बेडरूम की तरफ। बेडरूम में आपको दिखाते हैं कि तो दोस्तों ये देखिए आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, लग्जरी मास्टर बेडरूम जिसकी मैं बात करूँ तो इसका साइज रहेगा दोस्तों 14.5 बाई 11 का। जी हाँ दोस्तों, बेडरूम का साइज रहेगा 14.5 बाई 11 का। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, टाइल्स इसमें वुडन की अगर मैं बात करूँ, वुडन टाइल्स तो नहीं रहेगी, नॉर्मल टाइल्स होगी, लेकिन लुक उनकी रहेगी हमारी वुडन टाइप में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एज इट इज आपको टाइल्स मिलेगी। और मैं बात करूँ दोस्तों कबर्ड की, कबर्ड जैसे यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, एज इट इज आपको कबर्ड मिलेगा। अगर आपको ऐसा कबर्ड नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना दोस्तों कि आपको ऐसा कबर्ड नहीं मिला है, लेकिन आपको ऐसा कबर्ड मिलेगा। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार तरीके से। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो लीला ऑर्चिड की एक खासियत है वो क्या है कि हर फैमिली की वो इच्छा पूरी इसलिए करती है क्योंकि वो एक बढ़िया, जो अगर मैं बात करूँ लग्जरी फैमिली, जी हाँ दोस्तों लग्जरी फैमिली जो चीज़ें चाहती है अपने कबर्ड में, अपने घर में, अपने वॉशरूम में, अपने किचन में, वो सारी की सारी चीज़ें उनको नज़र रखते हुए बनाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा सामान जो भी है वो प्रॉपर तरीके से इसमें आ सकता है। आप देख सकते हैं नीचे तक यहाँ पे कैबिन बना के दिए गए हैं ताकि आपका कोई भी सामान बाहर ना रहे। ऊपर तक यहाँ पे कैबिन बने हुए हैं। एसी की फिटिंग आप देख सकते हैं, लाइट आप प्रॉपर तरीके से बेडरूम में देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से लाइट्स का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों स्विचेज की, स्विच हमारे रहेंगे दोस्तों ये गोल्ड मेडल के, जी हाँ दोस्तों गोल्ड मेडल के स्विच रहेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इसी बेडरूम में से भी हमारा एक एंट्री रहेगी, कहाँ की, गैलरी की। ये देखिए दोस्तों, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर रूम में से अपनी एक सेपरेट एंट्री रहेगी। ये देखिए टफन ग्लास का यहाँ पे भी साउंडलेस ग्लास का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों गैलरी कितनी शानदार तरीके से बनाई गई है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ और दिखाते हैं कि उसका साइज़ क्या है और उसकी खासियत क्या है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। ये देखिए दोस्तों, यह आ जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम। एंट्री ही शानदार है दोस्तों, एंट्री ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बनाया गया है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों किड्स रूम भी बना सकते हैं, या फिर अगर कहें तो एक गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसका साइज़ रहेगा दोस्तों 10 बाई 13 का। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें से भी आपकी वो एंट्री रहेगी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, किचन में से एंट्री। जी हाँ दोस्तों, किचन में से एंट्री वो रहेगी। इसमें भी टफन ग्लास का प्रयोग अच्छे से किया गया है। साउंडलेस रहेगा दोस्तों, 90% साउंडलेस रहेगा। और अब दिखाता हूँ मैं आपको गैलरी। ये देखिए वही गैलरी है जो मैंने आपको किचन में से दिखाई थी। ये देखिए दोस्तों प्रकृति का स्पर्श, शानदार हवा, आप देख सकते हैं गैलरी दोस्तों। और बेडरूम में दिखाता हूँ दोस्तों कि बेडरूम में क्या क्या चीज़ है। ये देखिए दोस्तों जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम के बिल्कुल सामने ये हमारा यहाँ पे एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये हमारा है सैंपल फ्लैट। सैंपल फ्लैट है तो तभी हमारी कोई चीज़ें जो बना के नहीं दी गई है, वो कस्टमर क्या चीज़ चाहता है, वुडन की कैसे, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल की जाएगी जैसा वो चाहता है। ऐसे कैबिनेट आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपका LED पैनल रहेगा, स्विचेज वगैरह प्रॉपर तरीके से गोल्ड मेडल के दिए गए हैं। बेड यहाँ पर अच्छे से इंस्टॉल करके भी स्पेस बच जाता है क्योंकि साइज़ है दोस्तों इसका 10 बाई 13 का। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कबर्ड की, आप देख सकते हैं ग्लास का कबर्ड मिलेगा ऐसे ही। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपको मिरर दिख रहा है ऐसे ही मिरर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं एज इट इज आपको सारी चीज़ मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, आप कोई भी सामान इंस्टॉल करना चाहते हैं प्रॉपर आपका सामान आ सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। AC की फिटिंग आपको प्रॉपर मिलेगी। आप देख सकते हैं AC की फिटिंग दी गई है। फुल सीलिंग आप जैसा चाहते हैं वैसी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ और दिखाते हैं कि थर्ड बेडरूम में क्या क्या खासियत है, उसका साइज़ क्या रहेगा। दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करूँ, प्राइस तो बड़ा नॉमिनल रहेगा, शानदार प्राइस रहेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्राइस सुन के तो कि सर जी प्राइस जो है बड़ा शानदार है, अच्छा प्राइस है। और ये आ जाता है हमारा दोस्तों थर्ड बेडरूम। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी साइज की, साइज रहेगा 10.5 बाई 14 का। आप देख सकते हैं दोस्तों साइज इतना होने के बाद भी, बेड इंस्टॉल होने के बाद भी दोस्तों स्पेस बड़ा अच्छा बना हुआ है। इसी के अंदर हमारा दोस्तों आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं दोस्तों शानदार तरीके से लग्जरी वॉशरूम रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों अलग से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बना के दी गई है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई दोस्तों, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गीजर की प्रॉपर आपको यहाँ पे फिटिंग मिलेगी, पैरीवेयर और जैकवेयर की फिटिंग यहाँ पे मिलेगी, टाइल्स ऊपर तक मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं दोस्तों इस बेडरूम में से भी आपको एक एंट्री मिलेगी सेपरेट, जो मैं बालकनी की उस अपने मास्टर बेडरूम में बताई थी, सेम एज इट इज इसमें रहेगी। आप देख सकते हैं साउंडलेस यहाँ पे टफन ग्लास रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों बड़े शानदार तरीके से एक लग्जरी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें इंस्टॉल की गई है। अगर मैं बात करूँ कबर्ड की, आप देख सकते हैं दोस्तों कि कलर करेक्शन जो है वो हर बेडरूम की अलग है। थीम बड़ी शानदार रखी गई है, लीला ऑर्चिड ने बहुत ही शानदार थीम रखी है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बेडरूम में कुछ अलग थीम थी, सेकंड बेडरूम में अलग थीम थी, जो हमारी थर्ड बेडरूम आया इसकी थीम अलग है। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों चीज़ें आपको सारी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, बेटर मिलेगी। आप देख सकते हैं आपका जो भी सामान है वो ऊपर से नीचे तक इंस्टॉल आप कर सकते हैं। आपको एसी की फिटिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, लाइट्स की फिटिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉपर यहाँ पे सनलाइट आपको मिलेगी, साइज मैंने आपको बता दिया। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ दोस्तों फाइनली कि हमारा जो LED पैनल है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कैबिनेट भी मिलेगा ताकि आप कोई भी सामान वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, कनेक्टिविटी की, कि अनिल सर आपने चीज़ें तो बहुत सारी दिखा दी। तो दोस्तों आपने बेडरूम देखा, डाइनिंग कम लिविंग एरिया देखा जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ अपने लिविंग एरिया में, अपने बालकनी देखी, अपने किचन देखा, वॉशरूम देख के शानदार तरीके से बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की गई है, बनाई गई है एक लग्जरी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए। प्राइस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, प्राइस बड़ा शानदार है। प्राइस अगर इसका रहेगा दोस्तों सेमी फर्नीचर का, जी हाँ दोस्तों सेमी फर्नीचर का प्राइस रहेगा दोस्तों इसका 40,90,000 रुपये। अगर आपको फुल फर्नीचर एज इट इज जो यहाँ पे चीज़ें लगाई गई है, इंस्टॉल की गई है, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए, वो डिपेंड करेगा आपको फर्नीचर क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें रहेगी, वो उसमें बढ़ा दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ की कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी रहेगी दोस्तों जो हमारा लांड्रा रोड है, जी हाँ दोस्तों लांड्रा रोड है, एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों, 4 से 5 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि 200 फीट की दूरी पे ही हमारा एक रोड आ जाता है जहाँ पे ये कनेक्टिविटी रहेगी। शानदार यहाँ पे मार्केट है दोस्तों, स्कूल बड़ा नज़दीक है, कॉलेज है, मार्केट यहाँ पे खुद की सोसाइटी की है, 19 शॉप्स खुद की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों 19 शॉप या ऑर्चिड लीला की खुद की शॉप्स है। वो कैसी रहेगी, क्या क्या है, वो सारी मैं आपको दिखाऊँगा। और आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा भी कि क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी दोस्तों कि प्रकृति का स्पर्श, जी हाँ दोस्तों नेचर, यहाँ पे हवा बड़ी शानदार है दोस्तों। और यहाँ का क्लब हाउस आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लब हाउस बड़ा शानदार है। मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है कहीं पे भी मुझे ऐसा यहाँ पे क्लब हाउस देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों वीडियो आपको शानदार लगी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।